Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई थी, बहुत पापड़ भी बेले होंगे तब जाके शादी हुई होगी। अब तो आप दोनों के प्यारे बच्चे भी हैं, पर आप लोग डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? वकील साहब, मैं आपको क्या ही बताऊं, अब मैं तो डिवोर्स नहीं लेना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि हम हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएं, लेकिन ये है ना, इनके सर पे ना डिवोर्स का भूत सवार है। अरे भाई, इतनी सीधी इतनी प्यारी बीवी है तुम्हारी, तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि इसकी वजह से मेरी सेहत खराब हो रही है। ये रात को 12 बजे उठ के चिप्स खाती है और इसके साथ मुझे भी खाना पड़ता है, मेरी तौल निकल रही है यार। लॉयर साहब, आप ही बताइए, पत्नी प्यार से खाना खिला रही है, ये कोई डिवोर्स देने की वजह हुई? ये मेरी एक आदत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लॉयर साहब, आप जानते हैं मैंने इनकी कितनी सारी आदतें एक्सेप्ट की है, जैसे कि इनका OCD। कोई और लड़की अगर इनके साथ होती ना तो इन्हें पागल समझ के कपट चली गई होती, लेकिन मैंने छोड़ के गई बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो इनके OCD में भी रोमांस दिखता है। ओ भयंकर, इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही है ये। तुम्हें मेरा OCD रोमांटिक लगता है? अब लगता है तो लगता है। वकील साहब, लगता है आपको दिखाना ही पड़ेगा। लॉयर साहब, है ना बिल्कुल रोमांटिक, एकदम राज और सिमरन जैसा प्यार रोमांस देखा मैंने। अरे भाई, इतनी रोमांटिक बीवी है तुम्हारी, तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो? नहीं 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 वकील साहब, आप जानते नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। जैसे कि लेट उठती है। ओ हेलो वकील साहब, ये सब इसलिए क्योंकि मुझे रात को चैन से सोने नहीं देते। मुझ जैसी नाजुक कली पर अपना 2.5 किलो का हाथ या फिर 10 किलो की टांग डाल देते हैं। हाथे यार, ओ भयंकर, वो नाजुक सी लड़की अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो मेरा हाथ झटक क्यों नहीं देती तुम? बोलो। जिन बाहों में खुद को महफूज महसूस करती हूँ उन्हें खुद से दूर क्यों करना चाहूंगी? अगर मौका देती, भरोसा करती तो जिंदगी भर रक्षा करता तुम्हारी। अब मौका मिल रहा है ना, तो फिर इस मौके को गवा क्यों रहे हैं? बस करो यार, बस करो। इमोशनल कर दिया मुझे। ये क्या डिवोर्स विवोर्स के चक्कर में पड़े हो? राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों की, साथ में मिलके रहो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सोचना, मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए, वो भी अभी के अभी। पक्का? पक्का। सोच लिया? सोच लिया। कॉम्प्लिकेटेड है, पत्नी चाहती है कि घर ना टूटे, पति चाहता है कि घर टूट जाए। अब बात यहां तक पहुंच गई है तो डिवोर्स मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओ भयंकर, कितना टाइम लगेगा? 6 महीने। 6 महीने? ओ भयंकर, 6 महीने? कानून के हिसाब से आप दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर एक दूसरे की शादी बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और चाहत आपके पास सिर्फ 6 महीने। आप पूरी कोशिश कीजिए अपनी शादी को बचाने की। अगर नहीं हो सका तो मुझे नील की बात सुनकर आप दोनों का डिवोर्स करवाना पड़ेगा। थैंक यू वकील साहब, आई एम सॉरी नील। आप चाहे मुझसे जितनी भी नफरत कर लें, लेकिन दुआ और श्लोक की मां
इस घर को बचाने की जरूर कोशिश करेगी। नील के साथ रहना आसान तो नहीं होगा, और बच्चों को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह मियां, प्लीज हेल्प मी। हाँ आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मेरी लाइफ में लौट कर तुमने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, सोचा एक छोटा सा सरप्राइज मैं भी दे दूं। हाँ? बहुत शौक था ना तुम्हें शादी निभाने का। हाँ? तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुमने अपने पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। मैं पहले वाला नील नहीं रहा चाहत। अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं आप? बंद कमरे में पति पत्नी चिड़िया उड़ तो खेलेंगे नहीं। पति वाला हक जमा रहा हूं। क्यों डर गए ना? हाँ उड़ गए ना तोते? अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे छोड़िए मुझे, बंद कमरे में जो पति पत्नी के बीच में होता है ना उसे प्यार कहते हैं, और जब हमारे बीच में कोई प्यार ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डरूं? मुझे डर नहीं लगता। आजमा कर देखना है तुम्हें। मैं दिखाता हूं तुम्हें कि बिना प्यार के सुहागरात कैसे बनाई जाती है। नील, नील देखिए आप। देखिए आप प्लीज दूर रहिए। नील छोड़िए मुझे। क्यों? तुम तो हर हिस्सा निभाना चाहती थी ना। अब नील प्लीज दूर रहिए, वरना वरना क्या होना क्या वरना अब आपसे, आपके घर वालों से, आपके वो मजहब में एडजस्ट करते करते, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने मजहब की कोई अच्छी सी लड़की देखिए और उसके साथ सेटल हो जाइए। बस पड़ेगा। अरे? चलो चलो मैं बोला अरे ना चलो पर बच्चों।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।